वहाँ के लड़के ने बोले मैंने दौड़ करी दी ताई कैसा घी खाया करो भैया मैं तो गना चोपड़ी खा। अरे पादा बतेरी मोटी तगड़ी थी मतलब बुढ़ापा आ गया भैया 94 साल की होना हो रही। मैं ग्राउंड में जाती हूँ वहाँ मेरा बड़ा पोता भी करता है और वे मेरे को सिखाता है सारी चीज़ बताता है और मैं वहीं से सीखी हूँ। फिर ये बड़ा पोता ने बोला दादी मैं कह रही ये क्या है दादी ये वो है पकाने का गोला बोला फेंक के देखिए मैंने 2-3 बार नहीं पकाया। ये रोड है ना यहाँ से लेकर यहाँ दूध की दुकान है वहाँ तक मारते कोई मेरे साथ जाओ या मत जाओ जाती है बूढ़ी जाती है मेरी अड़ोस पड़ोस मेरी सहेली जाती है घूमने के लिए। कुछ महीने पहले 7-8 महीने पहले मैंने दादी जी को एक शॉटपुट का गोला इनके हाथ में रखा था शाम को रात को लेकिन रात को इन्होंने कोई अच्छा सा जवाब दिया नहीं और इन्होंने कहा मेरे को मत दिए और अगले दिन सुबह सुबह 5:30 बजे जब मेरे पास मॉर्निंग में उठ के आई और इन्होंने वो मेरे से गोला दोबारा मांगा तब शायद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इनके मन में भी कुछ करने की स्पोर्ट्स के फील्ड में इच्छा है। अरे भाई मैं अलड़ बलड़ नहीं खाया करूँ ठीक खाना खाया करूँ 1 गिलास दूध शाम को लेती हूँ सुबह 1 गिलास शीत लेती हूँ आली सूखी रोटी बनवाया करूँ चिकना ही नहीं खाऊँ चरचरा खूब खाऊँ टेक पड़ गया था ना मेरा टैक्या में 15-16 साल हो गए। वहाँ के लड़के ने बोले मैंने दौड़ करी दी ताई कैसा घी खाया करो भैया मैं तो गना चोपड़ी खा और तनु दौड़ कर दी पार कर दी कैसा घी खाती बोला भाई ताई देसी खाती अरे मगा मैं तो किसाई ना खाती भैया अली सूखी करवाया कर मैगी तो खाया करूँ इसकी बहू अपने लड़के की बनाओ ना दीजिए कटोरी मेरी भी बना दी मैगी खाऊँ। इतनी बड़ी एज में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना सबके लिए बहुत गौरव की बात है और हम अपने बच्चों में जो हमारे बच्चे हैं हम उन बच्चों में भी अपनी दादी का एग्जांपल मतलब दे के या बच्चे भी हमारे खुद उनको देख के ही इतने इंस्पायर हो रहे हैं कि मतलब उनको भी यूँ रहता है कि हमें कुछ करना है हाँ। हमें दादी के जैसे करना है। जैसे आज का भी जो इवेंट था तो मतलब उनको यूँ लगा है कि हम कुछ अचीव किया है दादी ने तो हमें भी ऐसा अचीव करना है हाँ। मतलब इंस्पायरिंग है रोल मॉडल वो अपनी दादी को मानने लग गए हैं तो उनको देख के उनको ये रहता है कि इस उम्र में दादी कर पाएंगे तो हमें भी अपनी दादी की तरह आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। बोलते हैं बच्चे हमें आके हाँ। कि माँ ऐसे करना हमें ठीक है भैया मैं तो यही बोलती हूँ सबको भैया अच्छा खाना खाओ देसी खाना खाओ और खूब भागो खूब दौड़ो खूब खेलो खूब रल मिल कर चलो।